क्विज इंडिया एमटीवी बॉक्स क्रिकेट लीग में आज का मैच है बिटवीन गोवा किलर्स एंड आजमगढ़ रॉयल्स, जहां चौके छक्के तो लगेंगे ही, पर ईशा और अंजुम की बातें भी बहुत जोर से लगेगी। पारस का पपीता बनने वाला है अभी। सुनो, पपीते का कलर तो तुमने पहन रखा है, तुम हो पपीता, ईशा आनंद शर्मा, समझ रही हो तुम? और सुनो, डगआउट में खड़े रह रहे के बोलना बहुत आसान होता है, प्लेयर बनो तुम पहले। जान पर टिकेगी गोवा की होप और पूजा बैनर्जी करेंगी भविष्यवाणी। पूजा, नैंसी के इस ओवर में और कितने छक्के लगेंगे बताओ? एक और छक्का लग चुका है। तुम्हारे ओवर में अभी तुम विकेट लोगी कि नहीं पारस का? 3 विकेट। ऑलराइट, होप्स एंड प्रिडिक्शंस का मैजिक चलेगा या नहीं, ये तो पता चलेगा जब हम देखेंगे एआर मिसेस इंडिया एमटीवी बीसीएल। वेलकम टू एआर मिसेस इंडिया एमटीवी बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 4, पावर्ड बाय 1FM 89.6 कतर की धड़कन एंड को पावर्ड बाय मोबी वॉश मोबाइल सैनिटाइजर एंड डिजिटल पार्टनर। हेलो, आई एम योर होस्ट कुणाल, एके शार्दुल। अभी तालियां बजा सकते हैं। अब 4 is more है तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ नया करना पड़ेगा। अब आज का जो मैच है वो होने वाला है बिटवीन द अमेजिंग आजमगढ़ रॉयल्स एंड द सॉलिड गोवा किलर्स। लेकिन इससे पहले कि हम गेम की बात करें, लेट मी थैंक आवर स्पॉन्सर्स। आवर टाइटल स्पॉन्सर एआर मिसेस इंडिया, पावर्ड बाय 1FM 89.6 कतर की धड़कन, को पावर्ड बाय मोबी वॉश मोबाइल सैनिटाइजर, डिजिटल पार्टनर हेलो, स्नैक्स पार्टनर मंचलिशियस, टॉस पार्टनर headyatail.com, रेडियो पार्टनर फीवर 104FM, टेक्नोलॉजी पार्टनर प्राइम फोकस लिमिटेड, न्यूट्रिशन पार्टनर ऑप्टिमम न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैच स्पाई मोड ऑन करके। गोवा किलर और आजमगढ़ के लॉकर रूम में क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है? लेट्स टेक अ लुक। सो गाइस, द लास्ट मैच वाज अ गुड मैच। हम हारे भी हैं बट सबके दिमाग में ये हो गया कि दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट, यू नो। सारी चीजों को देखोगे सोचोगे तो हमने 45 वाइड किए हैं। अगर 45 रन कम करते तो मैच इजी जीते थे ना। जितने मैक्सिमम रन्स उनकी बॉलिंग के थ्रू हम खींच पाए, हमारे बैट्समैन को आज पूरा खेलना पड़ेगा 10 ओवर्स एंड वी आर टारगेटिंग अराउंड 225। हम आजम को आजम निकालेंगे और गढ़ को छोड़ देंगे। जीत तो पक्की है, जयकारा शेरावाली का, बहुत अच्छे दरबार की जय। हर मैच में कुछ मंचिंग की जरूरत होती है, हमेशा, है ना? तो अपने जोश को बरकरार रखने के लिए आई विल बी स्नैकिंग ऑन मंचलिशियस ग्रेनोला, योर ऑल टाइम फेवरेट स्नैकिंग पार्टनर, बिकॉज़ दैट ग्रेनोला इज न्यूट्रिशियस येट टेस्टी एंड परफेक्ट फॉर एनी टाइम ऑफ द डे। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड जो बहुत ही ऊंचे खिलाड़ी है। वो देखिए ऊंची सी जगह पर बैठे हैं। हाय सिद्धू, कैसन? एकदम मजामा। अब जरा इन लोगों को भी आंख मारिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे लाइक इट। द डगआउट डीवा फैजी बू एंड द डगआउट डेविल प्रतीक सहजपाल, से हाय गाइस। और अब मौका देते हैं अपनी टीम्स को एक किक एस एंट्री मारने का। सो प्लीज वेलकम द धमाकेदार आजमगढ़ रॉयल्स। हम आजमगढ़ ताकतवर सीना ताने आए, देखो जीत लेंगे, जीत तो पक्की है। इस बारी अगर हम टॉस जीते हैं We'll ball first, क्योंकि उनकी बैटिंग स्ट्रेंथ इज गुड अदर देन बॉलिंग, उनकी बॉलिंग ज्यादा अच्छी है। तो अगर हम इस बार जीते हैं तो पहले बॉल करेंगे। We are looking forward for a good match, so let's kill it, guys. Yeah, let's kill it. और अब स्वागत कीजिए द तोड़ फोड़ गोवा किलर्स का। बल्ला उतरेगा तो चौका लगेगा, हर बॉल पे बल्ले से सिक्सर लगेगा। ये है कि हमें करनी फील्डिंग, ये एम आई राइट? तो होपफुली हम चाहे टॉस हारे या जीते हमें फील्डिंग मिल जाए, फील्डिंग ही चाहिए। टुडे इज द टेस्ट कि अब हमें वाइड्स नहीं देके, एक्स्ट्रास नहीं देके उसमें अमल करना है, कम में उनको रोकना है। तो भाई अभी गोवा किलर से आई वुड लाइक टू कॉल जिसके जैसा नहीं कोई दूजा, मेरी पूजा, सबकी पूजा। अच्छा, आपने जो लास्ट मैच में कहा था ना वो करके दिखाया,
आपने कहा था कि मैं सामने वाले टीम के प्लेयर को 100 नहीं बनाने दूंगी, नहीं बनाने दिए। दो विकेट लूंगी, बोलिए, रन आउट करूंगी, वो भी हुआ, कैच आउट करूंगी, वो भी हुआ, छक्के मारूंगी, वो भी हुआ, मैं इसको कैच आउट करूंगी। अब मुझे याद बताओ कि आज के मैच के लिए क्या प्रेडिक्शन है। आज हम जीत कर घर वापस जाएंगे। Zen mode is on. तो आप पूजा वापस अपनी टीम में जाइए और इंतजार कीजिए अपनी जीत का। लेकिन अब हम लोग आजमगढ़ से बुलाना चाहेंगे अंजुम। देखो आज मैं पूरे कपड़े पहन के आई, यही तो दुख है। तो अंजुम, आपने कहा था कि पूजा बाबा की दूसरी बेबी है। ये मैंने नहीं, ये शिखा ने कहा था। तो शिखा से पूछ लेते हैं। शिखा यहाँ पर आई है। क्या कहा था, क्या कहा था? पूजा बाबा की दूसरी बेबी बेबी है। तो बाबा की दूसरी बेबी है। I'll elaborate. So as we all know, this is MTV BCL 4 और इसमें चौथा जो तड़का है वो है राखी सावंत, जो है बाबा की भविष्यवाणी। हाँ। तो अगर उनके साथ कोई भविष्यवाणी करता है तो वो बाबा की दूसरी बेबी हुई। अरे थैंक यू, थैंक यू। हमारे लिए भी कोई भविष्यवाणी कर दो यार। आज आप लोग हारोगे? अरे यार तुम मारोगे। ऑलराइट। तो भाई यहाँ पे बाबा की बेबीज में चल रहा है फाइट, लेकिन द ओरिजिनल बाबा की बेबी इज रेडी। सो लेट्स हैव राखी सावंत। तो राखी, पूजा ने ये कहा है कि आज ये लोग हारेंगे, ये पूजा का प्रेडिक्शन है, क्या आप इससे अग्री करती हैं? ये गोवा किलर बहुत तगड़ी है, नो डाउट, बहुत तगड़ी है। इनका ऑरेंज का जूस बहुत तगड़ा है, मैं आज पी के रहूंगी। लेकिन ये लोग भी, ये देखो कहाँ गया अभिषेक। हेलो, तुम कहाँ? मैं यहाँ। पारस कहाँ गया? हेलो पारस। हेलो बीसीएल के सलमान खान। हितेन जी आप नहीं आ रहे? ये भैया आशीर्वाद। हाय हाय। ओके ओके ओके। सो मैं दिल से और बाद में लेती हूँ बिल से आज आशीर्वाद दे रही हूँ। सॉरी, आज भी तुम बहुत अच्छा खेलोगे बट जीत तो ऑरेंज जूस का ही होगा। मैं जा रही हूँ, समाधि ले रही हूँ। जय राखी माँ। I can't wait to see what will happen after Rakhi Sawant का prediction. तो मैं इतनी request करूंगा कि सारी की सारी teams dugout में जाके अपनी positions दे ले, besides their captain Alok and Rajneesh. Toss शुरू होने से पहले let me tell you that headyatail.com is one of the biggest web stores in India for legal tender coins from around the globe. They are proud to be the official toss partner for AR Mrs. India MTV BCL Season 4 and are providing replicas of their best-selling coins. These coins are one of the most unique coins ever used for cricket toss. Issued in 2014 by the Mint of Poland, this is the St. John Paul II coin designed especially to honor the memory of the Pope, whose miracles took place due to his intercession. Dikha dijiye aap toss ke dono sides. It is a head or tail, aur dusra hai cube type. Who will select? I'll select. Okay, fine. Yeah. Heads or tails. रजनीश की टीम जिन्होंने जीत लिया है टॉस और उन्हें मिलता है हेड या टेल की ओर से ये स्पेशल कॉइन फॉर विनिंग द कॉइन। आप बैटिंग या बॉलिंग में से क्या सिलेक्ट करना चाहेंगे? हम लोग बॉलिंग लेंगे। लेट द मैचेस बिगिन। जोरदार तालियां फॉर बोथ द टीम। जब बल्ला उठेगा तो डोंट टेक गोवा किलर्स लाइटली। दिस इज अ वेरी डिफरेंट टीम एंड वी आर इन एब्सोल्यूट ग्रेट फॉर्म नाउ एंड आपकी इस बार लगने वाली है। मेरी कमजोरी है बॉलिंग, उनको लग रहा है कि वो बैटिंग में चेज कर लेंगे बट सॉरी टू से बट रन इतने बनने वाले कि चेज करना पॉसिबल ही नहीं। जीत तो पक्की है,
प्रेशर बहुत ज्यादा है बिकॉज वी हैव लॉस्ट वन मैच सो इट्स अ डू इट डाई फॉर अस वी हैव टू विन दिस मैच एंड वी गोना ट्राई लेवल बेस्ट फॉर दिस We've taken a decision to bowl because I feel our batting is very strong. So we're going to give them a total and then chase it and chase it well. इस मैच के पहले इनिंग की शुरुआत होने वाली है. गोवा किलर्स अब फील्ड पर पहुंच चुके हैं. अपनी अपनी फील्डिंग जमा ली है. पहले गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं. वहीं पर इस समय आजमगढ़ रॉयल्स के खिलाड़ी और बल्लेबाज आ चुके हैं ऑन द पिच. फिलहाल हमें ऐसा लगता है कि ये जो मैच है ये दोनों टीमों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपना खाता इसी मैच से जीत के खोलने वाले हैं लोग पॉइंट टेबल्स में. और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक नए ट्रेंड की शुरुआत यहां पर हो गई है. फीमेल ओवर से शुरुआत हो रही है इस इनिंग की. नैंसी जेम्स जो कि एक सरप्राइज लेकर आई है आजमगढ़ रॉयल के लिए. दिस वॉज अ सरप्राइज फॉर द अदर टीम. वालों के साथ गलत ही होगा क्योंकि ये गलत स्ट्रैटेजी है. आपको हमारे लड़कों के बारे में कुछ पता नहीं है गोवा वालों, तो थोड़ा आराम से क्योंकि पिछले मैच में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. और आप अगर लड़की को भेजो या लड़के को भेजो हम तो चौके छक्के मारेंगे. AR मिसेस इंडिया MTV BCL में पहले चार ओवर में फीमेल बॉलर होना इज अ मस्ट. White ball. I want to tell Azamgarh Royals के bro आपकी royalty खतरे में है, है ना? क्योंकि हमें Goa killers and we are gonna come and kill. जब फिरोजा ने first over लिया था तो उन्होंने wicket ही ले लिया था. क्या Nancy ये कर पाएगी? #NoPressure Nancy. ओये. कोई नहीं. बेहतरीन six आलोक के जरिए. ये है हमारे प्लेयर पारस बब्बर और आलोक नरूला. बाउंड्री सिक्स. एक और सिक्स. वाइड बॉल. वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा. एंड इट्स बाउंड्री सिक्स. ह्यूज सिक्स. छक्कों की बारिश हो रही है पहले ही ओवर में और वहां राखी सावंत समाधि में बैठी हुई है. 20 रन का स्कोर हो चुका है 0.3 ओवर्स अभी तक हो चुका. शाबाश शाबाश पूजा. नैंसी के इस ओवर में और कितने छक्के लगेंगे बताओ? एक और. नैंसी नो प्रेशर यार. बहुत बढ़िया और एक और छक्का लग चुका है. छब्बीस रन बन चुके हैं. चार बॉल्स हो चुकी हैं और पूजा ने कहा था कि एक और छक्का लगेगा. अभी आखिरी दो बॉल्स पे क्या वापस से एक छक्का लग सकता है? लेट्स फाइंड आउट. वंडरफुल बॉलिंग. फाइनेंसी आलोक कंफ्यूज. बॉल का जजमेंट इन्हें मिला नहीं. आखिरी बॉल तय करेगी कि क्या वाकई में पूजा बैनर्जी को एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं. चलो चलो शाबाश. और इसी के साथ एक और छक्का. गोवा किलर्स की तरफ से अगले गेंदबाज सचिन एंड स्ट्राइक पर हैं पारस बब्बर. आप लोगों की जीत तो मुझे काफी पक्की लग रही है because Azamgarh is playing fantabulously well. What do you think? I think yeah, it's a really good side, but all we need to focus is on the bowling and जो last match भी था हमारा Delhi के साथ था वो हम लोग इसलिए हार गए क्योंकि हमारी bowling थोड़ी सी weak हो गई थी. But today we are hopeful that we'll outdo ourselves. There's a lot of confidence.
नो बॉल और ये बाउंड्री सिक्स नो बॉल के साथ बाउंड्री सिक्स एक गेंद पर पहले तो नो बॉल होना उसके बाद छह मिलना और साथ ही साथ फ्री हिट मतलब सोने पे सुहागा सामने वाली टीम अभागा ओ भाई साहब मयंक गांधी ने लेट लेट कर फील्डिंग करी अंजुम फकी और शिखा बहुत जोर से हंसते हुए उनके मुंह पर अरे हमने ही रोक दी पागल क्या क्या बोल रही शिखा हमने ही रोक दी ऐसे करके तुमने शिखा ने बोला हमने रोक दिया मयंक की जरूरत ही नहीं पड़ी हाँ ठीक है बहुत बढ़िया बॉलिंग बाउंड्री फोर इट्स अ फोर अभी पारस का पपीता बनने वाला है ओके करेगा ले बॉल के बाद देखते हैं यही करेगा बस वंडरफुल बॉलिंग बाय सचिन और बन गया रोको यार बाउंड्री फोर एक और चौका का स्कोर हो चुका है अंजुम फकी इन लोगों के डगआउट से ये कह रही हैं कि ये लोग पारस बब्बर का पपीता बना देंगी घर से काला जादू वाला जादू करके आई हैं कोई जवाब देना चाहोगी तुम इनकी लड़कियों को ईशा तुमको ज्यादा ही बोल रहे हो तुम कुंडली भाग्य में आई थी सुनो तुम हमारे सलमान खान को पपीता नहीं कह सकती समझी सचिन की बेहतरीन बॉलिंग पारस कंफ्यूज बॉल का जजमेंट नहीं ले पाए अंजुम पपीता बनने ही वाला है एक्चुअली ब्यूटीफुली प्लेड दो ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ रॉयल्स ऑन 47 रन विदाउट एनी लॉस पपीता तो बनते हुए दिख रहा है क्या आप दोनों शेक पीने में इंटरेस्टेड हैं शेक तो हम पिएंगे आज उसकी आंखों को एक्चुअली दिखना भी कम हो गया उसको धुंधला दिखने लग गया अब सुनो पपीते का कलर तो तुमने पहन रखा है तुम हो पपीता ईशा आनंद शर्मा समझ रही हो तुम और सुनो डगआउट में खड़े रह रहे के बोलना बहुत आसान होता है प्लेयर बनो तुम पहले अब तुम अपने पारस को पर्स में डाल के ले जाओ अब वो देखा जाएगा या तो टू सिस्टर्स फाइटिंग हो गया है मतलब एक तरफ श्रद्धा आर्या हो गई एक तरफ अंजुम पकी हो गई है या बन के तुम्हें काटेगा वो देखा जाएगा हरियो गर्ल्स लेट्स स्टार्ट इन आउट अंदर बाहर आज बाबा की बेबी ये प्रेडिक्शन कर रही है कि गोवा किलर्स जो है उनमें कुछ खिलाड़ी अच्छे हैं तो मुझे लग रहा है वैसे दोनों ही टीम में बहुत अच्छे खिलाड़ी है दोनों ही टीमें बहुत ही टक्कर की है और इन लोगों को क्या समझ में आता है भगवान जाने फिर भी हाँ 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 कर रही है पता नहीं क्या समझ में आ रहा है सो मेरा ये कहने का मतलब है कि मुझे कहीं ना कहीं मेरा सिख बोलन ने माशीष बोलिंग राइट एम राउंड ये क्या देखने को मिला हमें अमेजिंग टीम वर्क बाय गोवा किलर मयंक गांधी एकदम मतलब लेट लेट के आम जनता की तरह आम लेट लेकिन वहीं पर नैंसी ने गेंद को रखा है एंड व्हाट एन अमेजिंग फील्डिंग बाय गोवा किलर्स सो डार्लिंग श्रद्धा गोवा किलर्स
girls and guys. Whatever guard they are from, which guard they are in the guard only. They're not coming up. You know, though I'm... There's this one girl, she's just dancing for no reason. Yeah, though I'm not very poor geographically, like my geography is not that poor, but I still don't know where Azamgarh is. Wonderful bowling by Ashish Mehrotra. और जान ने बेहतरीन फील्डिंग करी है। प्रेशर में लड़का चल शाबाश। कैच है। अरे ए! ट्राई ट्राई कोई नहीं हार्ड लक हार्ड लक। एक अच्छा है। हितेन तेजवानी की टोपी ने दे दी उनको गोची और ये छक्का हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। नहीं नहीं अनइवन बाउंस आए। बाउंसर लग के निकल गया। अनइवन बाउंस आए। And it's a beautiful six by Paras Babbar. Wonderful bowling. बहुत बढ़िया लाइन है, लवली बॉलिंग है लड़के। अपने मेरे, अपने मेरे, शाबाश, गुड बॉल। And it's a beautiful shot. दो खिलाड़ियों के बीच का एक गैप बहुत अच्छे से कवर किया। बॉलर इन सचिन, बॉलिंग राइट एम राउंड। और ये हुआ बाउंड्री सिक्स। आजमगढ़ रॉयल्स के डगआउट में एक बार फिर से सेलिब्रेशन का माहौल। लोग छज्जे पे चढ़ चढ़ के नाच रहे हैं। ये खुशी का माहौल थोड़ी देर रहने वाला है। रीसेट है। And it's a huge six again. Catch it! और wonderful fielding by Rajneesh. ये बात तो माननी पड़ेगी, गोवा किलर्स की ये जो टीम है ये फील्डिंग को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा अलर्ट है ऑन द फील्ड। ईशा ने अभी अभी कहा है कि ये थोड़ी ही देर की खुशी है, 74 रन जो बन चुके हैं। विल फाइंड आउट आफ्टर दिस बॉल फ्रॉम द डगआउट्स ऑफ आजमगढ़ रॉयल कि उनका क्या कहना है इसके बाद। मुझे लगता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसलिए ये चौके छक्के मार रहे हैं और उनको जवाब दे रहे हैं। अरे डॉट बॉल देखी क्या आपने? लगता है तब आपकी आंखें खराब हो गई पारस की तरह। चलो चलो चलो। ब्यूटीफुल बॉल बाय सचिन। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से आवाज आई है ईशा की कि ये थोड़ी देर की खुशी है और बहुत जल्दी पारस और लोका पपीता बनने वाला है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये शार्दुल कभी खुशी कभी गम चल रहा था, अब इनके पास गम गम बचने वाला है, खुशी गायब। ओके। आपकी जर्सी के पीछे क्या लिखा है जरा दिखाइए मुड़ के। And it's a marvelous six. सिर्फ दो रन दूर हैं आलोक अपने 50 रन कंप्लीट करने से। इस वक्त 80 का स्कोर हो चुका है 3.5 ओवर्स में। वंडरफुल बोलिंग एंड वंडरफुल फील्डिंग बाय गोवा किलर्स। चार ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ रॉयल्स 80 रन्स विदाउट एनी लॉस। पांचवे या छठे ओवर में से बैटिंग टीम को एक ओवर एज अ चैलेंज ओवर खेलना होगा जिसमें वो किसी भी बॉलर को चैलेंज कर सकते हैं। ओवर शुरू होने से पहले रन्स बनाने का टारगेट सेट किया जाएगा और अगर बैटिंग टीम ने उतने रन्स इस ओवर में बना लिए तो उन्हें डबल द रन्स मिलेंगे, अदरवाइज जीरो रन्स मिलेंगे। रजनीशीश एंड क्रिप। क्रिप लो 15 ले। क्रिप 15 ले। क्रिप 15। क्रिप 15। चैलेंज ओवर, बॉलर क्रिप।
15 runs. बॉलिंग यही चाहिए मैम, यही चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो पारस का पपीता बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैच एक और एक। बाउंड्री चेक। सिक्स। नौ रन्स की रिक्वायरमेंट है, चार बॉल्स बाकी है इस वक्त। छोड़े बाउंड्री सिक्स। तीन गेंदे बाकी और तीन रन की जरूरत ये चैलेंज ओवर जीतने के लिए। आजमगढ़ रॉयल्स क्या बोलते हैं, चैलेंज ओवर जीतेंगे क्या बात। निशी के साथ चैलेंज ओवर जीत लिया आजमगढ़ रॉयल्स ने। जस्ट बिकॉज हम चैलेंज हार गए इसका मतलब ये नहीं कि मैच भी हार जाएंगे। हम थोड़ा उनको खुश कर रहे हैं कि ठीक है आप ले लो, जीत जाओ, हम अपना जलवा बाद में दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले आजमगढ़ रॉयल्स वालों के डगआउट से एक बहुत जोरदार आवाज में इन लोगों को उल्लू भी बुलाया गया था। तो चता ओडिया पे से बताया, हमारी ऑपोजिट टीम को भी बोलो कि अपना थोड़ी बातों का लेवल बढ़ाए। खेल का लेवल दिखा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली द लोएस्ट स्कोर इन द फोर्थ सीजन ऑफ बीसीएल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन एट यू। यू आर वेलकम एनी टाइम बेबी। शिखा, या ये जो आपके पारस को पपीता पपीता बोल रहे थे, आपको नहीं लगता कि आपके पपीते ने इनका खरबूजा बना दिया? फ्रूट्स आर वेरी वेरी हेल्दी, आई थिंक हर किसी को दिन में एक फ्रूट खाना चाहिए, इसलिए आज हमने पपीता इनके लिए रखे ताकि ये खा के ये भी हेल्दी हो और फिर उसके बाद उसके छिलके अपने मुंह पे लगा लेना। बॉलर चेंज, बॉलर नेम रजनीश, बॉलिंग लेफ्ट आर्म राउंड। कैच इट। ओहो क्या बात, ये तो कंप्लीट उलट फेर एमटीवी बीसीएल 4 में भाई साहब। डिसअपॉइंटमेंट है अपनी परफॉर्मेंस से? नहीं, हम जब अभी तक तो जितना जा रहे हैं अकॉर्डिंगली हमने सोचा है कि लाइक 230 240 250 का टारगेट है, तो पांच ओवर में 110 हैं, सो वी आर गोइंग गुड। बाकी हमारे डेप्थ है बैटिंग की तो अच्छा चलेगा, तो नथिंग लाइक दैट। आजमगढ़ जीत तो पक्की है। बहुत बढ़िया। व्हाट डू यू हैव टू से, एक लड़की ने ऐसा ये हमारे क्या नाम था जिसको पपीता पपीता बुलाया है, तो फॉर दैट आई टोल्ड देम कि तुम्हारा पपीता हमने खा लिया, अब उसके छिलके अपने मुंह पे लगाकर आराम करो। और इसी के साथ साथ अब अभिषेक कपूर आ गए हैं पारस बब्बर के साथ अपना बैटिंग का कमाल दिखाने के लिए। Who's gonna face रजनीश दुग्गल की बोली। कैच कैच कैच। सिक्स है, सिक्स है सर। सर नो बॉल, नो बॉल। अभिषेक नो बॉल। एक मिनट, एक मिनट। सर नो बॉल है। दो रन बीच है सर। एक मिनट सर, एक मिनट। रिलैक्स सर, लेट अस चेक। ही विल चेक, ही विल चेक। दो ही हैं। नो बॉल तो नहीं, नो बॉल तो नहीं। 100 अभी से 4 और 6 कर, हमने 2 और 6 करा। हां, 2 और 6 का एकदम थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। हां सर, एक बार वापस दिखाना, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है।
बाउंड्री सिक्स हमारी फोर्थ अंपायर अंपायर के पास पहुंच गई है राखी सावंत पिच पर इट वाज ओवर माय वेस्ट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाज अबव माय वेस्ट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग आई एम नॉट आई वोंट से गो रॉन्ग बट डिप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अबव द वेस्ट योर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन व्हाटएवर यू से आप सर आप नॉर्मल देखोगे ना तो आपको शॉट मार रहे हो ना लंबे जजमेंट सर जजमेंट इट इज डिपिंग अबव आपका क्या डिसीजन है 6 दे दिया मैंने दे दिया 6 6 दे दिया छे दे दिए इन्होंने तो अब इनके लेना ही पड़ेगा इन्होंने दे दिए कोई बात नहीं कॉन्सेंट्रेट अभिषेक राखी फोर्थ एम्पायर आप हो ना हाँ तो हम नो बॉल मांग रहे हैं प्लीज नो बॉल दो ये मांगने आए हैं कि खेलने आए हैं हम आए हैं चलो नो बॉल नो बॉल नो बॉल मांगने के लिए लोग यूज करते हैं कुछ ऐसे करके तो वो एक्चुअली नहीं लेके आना चाहिए मांगने के लिए जब मांगने क्या यूज करते हैं कटोरा आप क्या लेके आई है मांगने के लिए आप मांग तो आप रहे ना इसलिए बोल रही हूँ कि आप कटोरा भूल गए शायद तो आपको मांगने का बहुत एक्सपीरियंस है अरे बोले लप्पा 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 कपूर देगा देगा बॉल देगा ये अपने आप अरे बोले अरे बहुत बढ़िया बोले लवली बोले ये क्या खिलाइए रे अरे दिखी नहीं भाई प्रेशर में बहुत बढ़िया बाउंड्री सिक्स लवली बॉलिंग है ग्रेट बॉलिंग ओवर एंड हमें कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन की द फोर्थ अंपायर राखी सावंत राखी आपका क्या कहना है रजनीश दुग्गल के इस ओवर के बारे में इनकी बॉलिंग अच्छी जा रही है मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी लेकिन आज अच्छा खेल रहे हैं आशीर्वाद ले चुके इसलिए लास्ट ओवर रजनीश दुग्गल बेहतरीन ओवर एक ओवर में सिर्फ 12 रन देके एक विकेट लिया है एंड आई थिंक रजनीश दुग्गल के लिए इस सीजन का ये मैच यादगार रहने वाला है बोलने आशीष बोलिंग राइट एम राउंड बाउंड्री फोर बाउंड्री फोर बाउंड्री फोर इसी के साथ आजमगढ़ रॉयल के पारस बब्बर के होती है हाफ सेंचुरी पूरी 51 रन्स जैसा कि MTV BCL सीजन 4 का ये रूल है कि 4 इज मोर तो लगातार 3 चौके पारस अब तक मार चुके हैं एंड दिस इज द फोर्थ चौका अगर इन्होंने इसे मार दिया तो टीम का टोटल होगा 16 रन लेकिन इसके डबल इनको मिलेंगे 32 रन तो देखना ये है कि क्या पारस का बनेगा पपीता या फिर पारस की पत्ती सी उड़ा देगी रंग गोवा किलर्स के संपूर्ण अरमानों पर पानी पड़ गया इसी के साथ साथ वो 32 रन जो मिलने वाले थे वो तो नहीं मिले आशीष विकेट पे शाबाश बहुत बढ़िया नो बॉल कोई नहीं फोकस भाई शॉट कर 22 टू रन टोटल 3 फ्री ओवर रजनीश दुग्गल आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए अब प्ले बॉल एंड इट्स बाउंड्री सिक्स ब्यूटीफुल सिक्स लगा लगा
That's out. रजनीश दुग्गल ने ही दूसरा झटका दिया आजमगढ़ रॉयल्स को. राखी हाँ तुम्हारी भविष्यवाणी सही थी. देख लो देख लो. एक्चुअली सही नहीं थी. राखी थोड़ी देर पहले बोली थी कि अभिषेक कपूर को कोई रोक नहीं सकता. अभी क्या किया हमने अभिषेक को घर भेज दिया. साहब तो घर पे जाके बनेंगे. यहाँ पे सिर्फ अभिषेक बन के आउट होके गए हो. अरे भाई आप समझ नहीं रहे हो. मैंने तो कहा था कि तुम लोग पपीता हो और सामने की टीम स्ट्रॉबेरी लग रही है फिलहाल. देखो स्ट्रॉबेरी क्रॉस नहीं हुआ ना. क्रॉस नहीं हुआ. नो डाउट. देखो भविष्यवाणी क्या थी उन्होंने ठीक से सुना नहीं. थोड़ा टाइम लगता है. Alright, आ चुकी है अब शिखा ऑन द पिच जो कि आ रही है फ्रॉम आजमगढ़ रॉयल. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन प्लेयर्स दैट वी हैव इन एमटीवी बीसीएल 2019. AR Mrs. India MTV BCL में पहले चार बैट्समैन में एक फीमेल बैट्समैन का खेलना इज कंपल्सरी. चलो चलो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गाइस. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. उम्दा फील्डिंग गोवा किलर्स के द्वारा बट गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. अंजुम मुझे ये बताओ कि ये ईशा की प्रॉब्लम क्या है. पता है वो क्या बोल रही थी. पता है वो क्या बोल रही थी. क्या बोल रही थी. उसने बोला कि कपूर साहब इतनी गंदी बैटिंग करता है. इतनी गंदी बैटिंग करता है कि उसके नाम से कपूर साहब साहब हटा देना चाहिए. सिर्फ कपूर रहना चाहिए और वो एक्चुअली सांप है जिसको वो लोग खा गए. ऐसा बोल रही थी वो. ये ईशा आनंद शर्मा है. कौन कौन हो तुम. कौन हो भाई. कौन है ये. ऐसे कैसे बोल सकती है वो अंजुम. इसकी हिम्मत कैसी हुई ईशा आनंद शर्मा की ये बोलने की. वो भी मेरे कपूर साहब के लिए. तुम हो कौन. ईशा आनंद शर्मा को मैं ये कहना चाहूंगी कि डगआउट में बैठकर चिल्लाना हमें भी आता है. प्लेयर बनो फील्ड पे उतरो और कुछ करके दिखाओ. बाउंड्री सिक्स. बाउंड्री फोर. या क्या कर रहे हो. शॉट है भाई. बाउंड्री फोर. आठ ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ रॉयल्स ऑन 158 रन्स विद लॉस ऑफ टू विकेट्स. और अब आने वाली हैं एक वुमेन बोलर फ्रॉम गोवा किलर्स जिनका नाम है पूजा. AR मिसेस इंडिया MTV BCL में आखिरी चार ओवर में यानी कि ओवर 7-10 में भी एक फीमेल बोलर का खेलना मैंडेटरी है. पूजा का ओवर शुरू होने वाला है. आपके हिसाब से इस ओवर में क्या होगा. क्या पूजा बहुत सारे चौके छक्के जाने देंगी या फिर वो विकेट लेंगी. आप क्या कहती हैं. विकेट भी लेगी डेड बॉल भी डालेगी वाइड भी डालेगी. अब लेट्स सी पूजा बनर्जी क्या करती है कमाल. क्योंकि सामने खड़ी हुई है शिखा. कैच. बोला था मैंने आगे खड़े रहो. यहाँ ये विकेट थी. ये बहुत आसान था कैच पकड़ना. अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं. कैच था ये. बताओ ये विकेट फिर भी छोड़ दिया. पता नहीं क्यों ये सुबह से छोड़ ही रहे हैं लोग. ये स्पिरिट रखेंगे. चल जड़ दिया है पार और छक्का. पूजा बनर्जी अच्छा बताओ तुम्हारे ओवर में अभी तुम विकेट लोगी कि नहीं पारस का. तीन विकेट. ऑल राइट. बहुत बढ़िया. चल तरी. पूजा बनर्जी का प्रेडिक्शन फिर से सही गया. गोवा किलर.
वैसे पारस को आउट करना नामुमकिन था, लेकिन पूजा ने किया। माय गॉड, सुबह उठते ही काला जादू करती है ये। लड़की ब्यूटीफुल कर गई छुल। ये है नागपुर से, तो नाग देवता की पूजा करके आती है। अरे आपने क्या बोला था, पारस का पपीता बना के छोड़ेंगे? पपीता बना लिया ना। आपके कैप्टन साहब ने ना एक टारगेट फिक्स कर दिया, 210 तो मार नहीं मार रहे। मार पाओगे? क्यों नहीं मारेंगे यार, बिल्कुल मारेंगे। अरे वाह, सुन लिया गोवा वालों। फिलहाल नए बैट्समैन आजमगढ़ रॉयल से अभिषेक। आलोक मुझे एक बात बताइए, आलोक ये पूजा बहुत खतरनाक नहीं तुम लोगों के लिए? जो बोलती है वो हो जाता है। डू यू थिंक आप लोगों की जो अभी फ्यूचर है वो थोड़ी डार्क है? फ्यूचर ब्राइट है, डार्क नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है। 200 से ऊपर जाएगा, आप देखो 200 से ऊपर जाएगा जी। चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज चैलेंज कर रहे हैं आलोक टू गोवा किलर्स की 200 से ऊपर स्कोर जाएगा। राखी व्हाट डू यू से? अब आलोक जी ने कहा है तो चलो अभी देखते हैं। और ये शिखा सिंह का बेहतरीन सिक्स। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। भागो भागो। नैंसी एक बार फिर से घायल हो चुकी है। अमेजिंग फील्डिंग, अमेजिंग फील्डिंग। एंड एक बार फिर से गोवा की बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। एंड गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बॉलर चेंज, बॉलर ने मितेन, बॉलिंग राइट एम ओवर। द लास्ट ओवर ऑफ द फर्स्ट इनिंग जिसे हितेन तेजवानी कर रहे हैं। बॉलिंग बाय हितेन तेजवानी, अमेजिंग बॉल। चलो 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 चलो, क्या शॉट है यार, बाउंड्री से लूसी, बहुत बढ़िया। कर धूम धमाका, हो जाए तमाशा, छोड़ गुल्ले बेगी, तू आज तमाशा। एंड इट्स एन यू बाउंड्री से बाउंड्री सिक्स। तो आखिरी के दो बॉल्स रह गए हैं और 191 का टारगेट इन्होंने सेट कर चुके हैं ऑलरेडी। 200 का कैप्टन ने बोला कि टारगेट सेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। गोवा पता नहीं बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मैं बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए यार। कैच एंड इट्स अ ड्रॉ। क्या बात है शिखा, शिखा 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 बना दिया गोवा किलर्स का चिकन टिक्का टिक्का टिक्का। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। ओ शॉट, बाउंड्री से जीत तो बक्की है, जीत तो बक्की है, जीत तो बक्की है। दस ओवर की समाप्ति के बाद आजमगढ़ रॉयल्स ऑन 197 रन्स विद लॉस ऑफ 3 विकेट। हाय पूजा, किल कर दिया आज तो। प्रेडिक्ट किया था कि 3 विकेट जाएंगी, 3 विकेट गई गई है। मतलब आई स्वेयर यार, मतलब पता नहीं क्या सोचा। आई न्यू दैट फॉर सम रीजन आई थॉट कि 100 के पहले एक विकेट जाएगा ही जाएगा, और वैसा ही हुआ। मतलब पहुंच के एकदम वो आउट हो गया। उसके बाद यार ये पारस बहुत देर से प्रेशर बना के बैठा है, इसको पहले आउट करना पड़ेगा। तो फिर आउट कर दिया। वो दूसरे दो और जो थे ना वो रन आउट हो जाते, पर नहीं हुए, कोई बात नहीं। मिर्ची लग रही है अभी ना। फिलहाल अभी तक मेरी जो खुशी है वो अपने मुकाम तक नहीं पहुंची, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आज हमारी टीम गोवा किलर्स पहले जीत जाए, उसके बाद में सारा जश्न मनाऊं। अब ये मैच जीतना है अगर गोवा किलर्स को, तो इन्हें 60 गेंदों में 198 रन्स का टारगेट आज अचीव करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अभी बारी आ चुकी है कुणाल के किक्स की, लेकिन आज कुणाल के किक्स नहीं पड़ रहे, आज किक्स पड़ रहे हैं अंजुम के और ईशा के। एक डगआउट से अंजुम मारती है किक, दूसरे डगआउट से ईशा देती है जवाब। तो मैंने सोचा कि मैच यहीं पे कर दिया जाए। हाँ, मैंने सुना है ईशा आपको बहुत सारी तकलीफ है अंजुम से, क्या कहना चाहती हैं? तकलीफ नहीं है, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अंजुम को सौंफ का फाके खिलाएंगे और यहाँ से निकाल देंगे। क्या खिलाओगी तुम मुझे? सौंफ का फाका। सौंफ का फाका यार, तुम ये देसी नुस्खे ना फील्ड में मत लाया करो।
तुम ये टग आउट में रखा करो। अब ये देसी नुस्खे खा के ही मैच जीतने वाले हैं और जब मैच जीत जाएंगे तो हम तुमसे बात करने वाले। मुझे लगता है कि तुमने जिंदगी भर सिर्फ पपीता खाया है इसलिए तुम उसे प्रमोट कर रहे हो। ऑफ कोर्स पपीता तो खाया है तभी तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग है पपीता खाने में। तुमने कभी पपीता नहीं खाया है क्या? हमने खाया है लेकिन हमने किसको पपीता बनाया नहीं है। अरे तो पपीता बनाने का काम हमारा है, हम पे छोड़ दो अंजुम। इसीलिए कहते हैं हैशटैग औरत ही औरत की दुश्मन होती है। So starting with my Jaan, Zaan, yeah. I have to tell you कि देखो I'm sure you're gonna rock as always और इस बार तो आपके साथ मैं भी हूँ तो मेरा lucky charm पकड़ो ये। ओहो अब तो मतलब क्या बोलूँ, I have no words for you। तो शुरू होने वाली है सेकेंड इनिंग्स जहाँ पर आ चुके हैं मयंक गांधी और Zaan गोवा किलर्स की ओर से। आजमगढ़ रॉयल्स ने 10 ओवरों का सामना करते हुए 197 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर 19.7 के रन रेट से खेलते हुए। वहीं पर अब 60 गेंदों में गोवा किलर्स को जीतने के लिए बनाने हैं 198 रन्स। बॉलर नेम पारस, बॉलिंग रैंडम राउंड, प्ले बॉल। वाइड 22। अंपायर के द्वारा 2 रन मिलते हैं यहां पर। ओ बॉल बॉल बॉल, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आजमगढ़ रॉयल्स का ही रॉयल हूं मैं आज, बहुत लॉयल हूं और एक रॉयल हूं तो मुझे भी कुछ गिफ्ट बनता है आपकी तरफ से यार। उधर देख। अच्छा मुझे तो नहीं मिला, ये हुई ना बात। ओए नाइस बॉल बॉय, नाइस बॉल, बेहतरीन बॉलिंग बाय पारस। प्रताप तेरे को करना पड़ेगा स्लेजिंग कर, वो बहुत नर्वस हो जाता है, फुल स्लेजिंग कर। ओए नो बॉल, 2 रन्स, टोटल 3। और इसी के साथ गोवा किलर को मिलता है फ्री हिट। कोई नहीं बहुत बढ़िया बोल के खेलेंगे सब, चलो। नाइस यार, बहुत बढ़िया। इसे कहते हैं शेर पे सवार शेर, एक तरफ अगर मयंक गांधी है तो दूसरी तरफ पारस बब्बर। शाबाश बॉय, शाबाश बॉलिंग। Paras Babbar is one of the best all-rounders we've seen in these matches. Oh, catch! Catch! Yes! Yes! Abhishek Verma ne catch pakad liya hai. Jeet to bakki hai, jeet to bakki hai. पहले ही ओवर में करारा झटका गोवा किलर्स को मयंक गांधी के रूप में। हाय गगन। हेलो, हाय। तो आपको एकदम अच्छा करके आना है, आप बैटिंग के लिए जा रहे हो? कोशिश पूरी है प्रभु राम का। एक्साइटमेंट नहीं, 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 क्या है जिनके ऊपर ऊपर वाले का राम का श्री राम का आशीर्वाद होता है उनको परवाह नहीं है। रिलीजियस मैं भी काफी रिलीजियस हूँ और ये स्पिरिचुअलिटी रिलीजियसनेस सुन के मुझे ना बड़ा बड़ी फीलिंग आ रही है और मन करता है मंदिर चली जाऊँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी यही मंदिर है फिलहाल तो क्रिकेट का जो। चलो आप मैच जीत लो फिर हम लोग साथ में मंदिर जाएंगे। अगले बल्लेबाज जो कि मोर्चा संभालने आए वो हैं गगन फ्रॉम गोवा किलर। मयंक यार कल लास्ट टाइम की मैच यार तुम्हारी इतना अच्छा, तुम तो यार क्या किए थे, तुम्हारे भरोसे पे तो मैं सुबह बोल चुकी हूँ सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे। वैसे गोवा किलर का इतना कोई ज्यादा भविष्य तो था नहीं, सिर्फ तुम्हारे भरोसे पे मैंने बोला कि जीतेगी, क्या हो गया? ऐसा नहीं है बस ये मेरे ख्याल से मेरा ही टोटका गलत पड़ गया, मैं कल फर्स्ट डाउन आया था आज ओपन चला गया। तुम्हें लगता है कि अब जीतेंगे गोवा टीम? हाँ जीत सकते हैं। नहीं इसकी हंसी से तो मुझे नहीं लग रहा और मैं भाग रही हूँ क्योंकि मेरा पोपट होने वाला है
बाबा की बेबी का क्या होने वाला है पता नहीं। प्ले बॉल। ओ बॉल है बॉय, बॉल है, ओवर, घुस गई थी। बॉलर चेंज, बॉलर नेम विनीत, बॉलिंग राइट एम राउंड। अगले गेंदबाज मनित। सरे पर देख लेते हैं। नहीं बट वेरी क्लियर, मतलब बहुत ही अंदर था, कोई इशू ही नहीं है। मैन कैडिंग का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहा। चलो चलो जाल लगा देंगे सब लोग। प्ले बॉल। ओए भाई साहब की, व्हाट अ बॉल बाय विनीत। वाइड बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। गोवा किलर्स ऑन 7 रन्स विद लॉस ऑफ 1 विकेट। एंड इट्स बाउंड्री सिक्स, ब्यूटीफुल सिक्स बाय सान। बाउंड्री सिक्स और ये जान का जानदार सिक्स। एंड एक और बाउंड्री सिक्स, जानदार सिक्स। नाइस कैच, इजी 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 बॉय, शाबाश शाबाश शिखा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो ओवर की समाप्ति के बाद गोवा किलर्स एक विकेट के नुकसान पे 25 रन। गोवा किलर्स को 173 रन चाहिए जीतने के लिए इन जस्ट 48 बॉल्स। और अब आ चुकी है शिखा, जिसका जलवा सबको दिखा कई बार बीसीएल में। एआर मिसेस इंडिया एमटीवी बीसीएल में पहले 4 ओवर्स में फीमेल बॉलर होना इज अ मस्ट। बॉलिंग चेंज, बॉलर नेम शिखा, बॉलिंग राइट एम ओवर। और ये ब्यूटीफुल बॉलिंग। जीत तो पक्की है, आजमगढ़ जीत तो पक्की है, जीत तो पक्की है, जीत तो पक्की है। पारस एक गेंदबाज अच्छे हैं या एक बल्लेबाज अच्छे हैं या फिर एक बेहतरीन फील्डर हैं, आई थिंक वन एंड ऑल एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। AR Mrs. India MTV BCL में पहले 4 बैट्समैन में एक फीमेल बैट्समैन का खेलना इज कंपल्सरी। और आ रही है गोवा किलर से लहराती बलखाती इटलाती पूजा बैनर्जी। आई थिंक अब पूजा बैनर्जी क्योंकि स्ट्राइक पर आ रही हैं, बल्लेबाजी करने आ रही हैं, शायद यहां पर एक बार आपको इनसे इनके गेम के लिए एक प्रेडिक्शन तो लेना चाहिए। देखो मेरे भविष्यवाणी पर नजर मत लगाओ, समझ गए तुम? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि अभी अपने ओवर की भविष्यवाणी हमें दो। सामने शिखा सिंह खड़ी है, बोलो कितने रन बनाओगी? 15। शिखा क्या तुम इसे आसानी से 15 रन बनाने दोगी? ये शिखा बड़े नॉन कमिटेड स्टैंड पे हैं, पूजा बहुत ज्यादा ही कमिटेड स्टैंड पे हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्या होता है। प्ले बॉल। Oh, nice, nice. On the wickets, key bowling. Pooja just missed it, but Shikha is very tight with her bowling out here. Oi! Wide ball. Wide ball ka ishara umpire ke dwara. Koi nahi, shabash, shabash. Nice, nice. Nice. Wonderful bowling. Shikha ke dwara. शिखा सिंह के ओवर की 3 बॉल्स बाकी हैं। याद दिला दूं, पूजा ने कहा था कि 15 रन ठोक कर जाएंगी वो इस ओवर में। ओए वाइड बॉल, दे 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 दे। वाइड बॉल, फोकस फोकस फोकस, चलो चलो, शाबाश शाबाश। ओ
कैच। ओह नो। और इसी के साथ अभिषेक वर्मा ने पूजा को वापस भेज दिया है। अब पूजा की जगह गोवा किलर से आ रहे हैं अगले बैट्समैन हितेन तेजवानी। ना आग ना पानी, ओनली हितेन तेजवानी। कैच देना, मैं ही खड़ा हूँ, एज लगा के, एज लगा के, तू छोड़ देगा, तू छोड़ देगा कैच, ओके। हितेन, हितेन, हितेन एंड आलोक, अभी जैसे ही हितेन आए आप उनके पास क्या बोलने गए थे? कैच ऐसे आएगा, वो ऐसे आएगा, क्या आप फिक्सिंग कर रहे हो क्या? हो गया फिक्सिंग, कैच देखो, फिक्सिंग हो गया या या? कि आप हितेन का कैच ले रहे हैं पक्का ना? ये है भाईचारा। वाइड बॉल और ये वाइड। वाइड बॉल, वाइड बॉल, ये भी वाइड। वाइड बॉल, एक और वाइड। शिखा कह रही है कि मैं अपने हिसाब से डाल दूं, लेकिन उन्हें प्रेशर किया जा रहा है कि उनके दूसरों के हिसाब से डालें, इसीलिए वाइड और नो बॉल का सिलसिला जारी हो रहा है। सो ईशा, जैसा कि हर बार शिखा बोल के आती है कि मैं इन सामने वाली टीम को पानी पिला दूंगी, पेप्सी पिला दूंगी, तो मैं क्या कहना? अभी जिस हिसाब से वो खेल रही है, मुझे लग रहा है शिखा का होने वाला है शिकार। And it's a straight boundary six. आखिरी ओवर शिखा का, what a wonderful ओवर। एक ओवर में 13 रन और 2 विकेट को बैक टू पवेलियन भेजना, I mean like that's amazing। शिखा क्या मतलब तुम्हें हो क्या गया? 2 विकेट 7 रन, मतलब पागलों को इतना अच्छा कैसे खेल सकती हो यार? यही तो चाहिए था मुझे। ये एक बार पूजा बहन, ये एक बार फिर से वापस है, 1 2 3 स्टार्ट। अरे ये पूजा बैनर्जी को भी एक बार दिखा दो, जिन्होंने बोला पीछे था से मजे ले रही है। पीछे से मजे ले रही है। पूजा बैनर्जी किधर है वैसे? अच्छा पूजा, अभी तक सारे प्रेडिक्शन सही जा रहे थे, 15 का जो आपने रन का ये, ये तुम्हारी नजर लग गई है। क्या क्या क्या? तुम्हारी नजर लग गई है मेरी वजह से। बॉलर चेंज, बॉलर नेम अभिषेक। वाइड बॉल, एंड इट्स वाइड। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैच कैच कैच, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्स बाय सा, एंड इट्स अ ह्यूज सिक्स। और ये एक और छक्का। प्रेशर में बोलो शाबाश। वेल बॉल यार, वैसी वैसी वैसी। ओड़े 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 बोल। शाबाश शाबाश बॉय। ओके श्रद्धा, टेल मी समथिंग, आपके दिल में अभिषेक के लिए अभी क्या है? एकदम सच्चाई बता दो आप। सो दिस गाय हैज कम इनटू माय नोटिस एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्टॉक हिम। ये इन अ गुड वे इन अ बैड वे, ये तो ऑपोजिट टीम का इंप्रेस करके क्या छोक रहा तुमको? नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। ओए कैच, ओए यार झगड़ी। और बाउंड्री से एक और सिक्स। लगा 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 पल्ला घुमा 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 छक्का लगा लगा
चार ओवर की समाप्ति के बाद गोवा किलर्स ऑन 63 रन्स विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द चैलेंज ओवर। आलोक भाई बॉलर्स कौन कौन है आपके? पारस प्रताप। पारस का नाम मत बोल, उसमें चैलेंज में बोली मत। प्रताप, विनीत और अभिषेक। अभिषेक ने डाल दी तो विनीत इज द फोर्थ वन। हम एक सेकंड बता रहे हैं, अभी प्रताप डालेगा ओवर तो फिर आप लोग अभिषेक को ले सकते हो। अठारह वटरा ही लेना पड़ेगा अपने को अगर पहुंचना है टारगेट पे। तो क्या लगता है अभी चैलेंज ओवर के बारे में? चैलेंज ओवर मुझे लगता है कि प्रताप को लेंगे, कंफ्यूज्ड है, उनका लेफ्टी प्लेयर है। अच्छा, जो भी ले ले, कोई भी ले ले, आउट होने से नहीं बनेंगे उनसे, नहीं बनेंगे। थैंक यू। आओ मैं, हम पूछते हैं, आप लोग चैलेंज ओवर ले रहे हो, जीतोगे हारोगे? जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। क्या बात है, हम बैठ के इंतजार करते हैं। पांचवें या छठे ओवर में से बैटिंग टीम को एक ओवर एज अ चैलेंज ओवर खेलना होगा, जिसमें वो किसी भी बॉलर को चैलेंज कर सकते हैं। ओवर शुरू होने से पहले रन्स बनाने का टारगेट सेट किया जाएगा और अगर बैटिंग टीम ने उतने रन्स इस ओवर में बना लिए तो उन्हें डबल द रन्स मिलेंगे, अदरवाइज जीरो रन्स मिलेंगे। चैलेंज ओवर, बॉलर नेम प्रताप, 12 रन्स। बिंदास पांडा, बिंदास ही। इसी के साथ चैलेंज ओवर में 12 रन का टारगेट। तू टेंशन मत ले, तू अच्छे उसमें है, मैं तेरे को कॉल दूंगा। चैलेंज ओवर हमेशा मेक या ब्रेक कर रहा है और अगर इसमें अपने टारगेट को 12 रन के अचीव कर लिया गोवा किलर ने तो एक तरह से इस मैच को वो अपनी तरफ घुमा लेंगे। लड़के शाबाश शाबाश शाबाश। नितिन भाई पैर बचा के पीछे रहना, पीछे आगे नहीं निकलना। नितिन भाई 5 बॉल से 12 रन चाहिए। अरे शॉट, बाउंड्री सिक्स। इट्स अ ब्यूटीफुल सिक्स बाय हितेन तेजवानी। चार बॉल से 6 रन्स की जरूरत। बॉलिंग बॉय, बॉलिंग, वंडरफुल बॉलिंग बाय प्रताप। बहुत बढ़िया। 3 गेंदे बाकी हैं और 6 रन चाहिए इस चैलेंज ओवर को जीतने के लिए। गोवा किलर ने 12 रन का टारगेट रखा है इस चैलेंज ओवर में। मुझे लगता है डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होता अगर जान स्ट्राइक पे होता तो चांसेस थोड़े से और ज्यादा होते। बोले बोले, वंडरफुल बॉलिंग, वंडरफुल बॉलिंग। प्लीज नो बॉल चेक। नहीं, नो बॉल चेक कर रहे हैं। आगे खेलो, आगे। ए मैं इधर ही खड़ा हूं यार, नो बॉल नहीं है। चेक कर लो ना, आप चेक कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? चेक कर ले यार, क्या प्रॉब्लम है? देखो कनेक्ट, देखो कहाँ पे हो रहा है, क्या हो गया तुम लोगों को? ये लोग किधर आया? अरे वाह, नहीं नहीं, बैट कनेक्ट, देख हाथ पे सर, हाथ पे, ए धीरज, एल्बो पे, नो बॉल, ग्रेट। और इसी के साथ फ्री हिट मिलता है गोवा किलर्स को। थर्ड अंपायर का फाइनल निर्णय कि इट वाज अ नो बॉल। अभी तो खुले मार सकते, आजा। चलो इतिन भाई, खुलना झूठ है, मारो। नाइस बॉल। बहुत बढ़िया, यही चाहिए बॉय। क्या है? अरे रिलैक्स। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। जान और हितेन ने जान लगा के दौड़ लगा दी। ओके मयंक, बहुत प्रेशर बिल्ड हो गया है। एक बॉल है, 4 रन की जरूरत है। होगा नहीं होगा, आपका क्या ख्याल है? शॉर्ट पिच मारेगा और ये लेग पे छक्का मारेगा एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कैलकुलेटिव क्रिकेट बिकॉज आई नो दिस गाइस गेम। देखो we'll be right back.
उसी के साथ इट वाज अ सिक्स. पता नहीं मैं अभी उनसे इम्प्रेस हुई हूँ कि आपसे इम्प्रेस हुई हूँ. क्या प्रेडिक्शन था ये? आप तो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हो. मैं स्टार बनने वाली हूँ ये भी प्रेडिक्ट किया होगा आपने. आई एम श्योर. बात है, आपका आशीर्वाद है तो यही होगा. तो अभी मैंने बोला था कि अभी मैं जान को एक किस देकर आती हूँ. जान तो पूरा लक और मिल गया. जीतना वेरी गुड. ऑल द बेस्ट. मैं आपका पीछे से मैं आपको देख रही हूँ. मेरी नजरें आप पर है. थैंक यू. ओके. बोलर नेम अभिषेक. बोलिंग राइट अप होगा. उसको दिखेगी नहीं सर. वादा दिखेगी नहीं. Oh my God, what a ball, what a ball. हितेन तेजवानी को पता तक नहीं चला कि कहा कैसे हुआ. उन्हें लग रहा था बाहर जा रही है. उन्हें लगा बाहर जा रही है. नहीं पता ही नहीं चला बॉल कैसे आई. पूरी बाहर थी, बाहर से पूरी अंदर आ गई. बहुत अच्छी डाली थी बॉल. एक बॉल होती है ना, एक बॉल, एक बॉल होती है. एक मिनट पहले हितेन के पास चलते ना. हितेन हाँ, ये क्या हुआ? अभी तो आप बोल रहे थे अगर आपके होते स्ट्राइक पे तो आप चौका भी लगाते थे, छक्का भी लगाते. अभी तो अरे सब कर सकते, लेकिन अगर ये बाहर से आ रही हुई बॉल अंदर आ जाएगी तो फिर तो बॉलर बहुत अच्छा है भाई. क्या बात, कितने हम्बल हैं आप. बहुत अच्छा है बॉलर यार. सर मतलब बाहर से आते हुए बॉलों को छेड़ने की आदत नहीं है आपको? नहीं नहीं, मैं बाहर वाली चीजों को नहीं छेड़ता. अब आ रहे हैं रजनीश दुग्गल, कप्तान गोवा किलर्स के, जिन्होंने आज बेहतरीन गेंदबाजी की है. अब देखते हैं कि बल्लेबाजी में क्या रंग दिखाते हैं. दैट्स आरडी बॉय रजनीश दुग्गल, 11 नंबर जर्सी फ्रॉम गोवा किलर ऑन द स्ट्राइक. प्ले बॉल. और ये लगा बेहतरीन सिक्स. रजनीश और अब वहां से आ चुके हैं क्रिप सूरी, अगले बैट्समैन. प्ले बॉल. और ये मैन कैरिंग, व्हाट इज दिस ऑन? पूरा एक्शन ले लिया था सर. चेंज हो गया सर. क्यों? ये साल में चेंज हो गया सर. क्या हुआ अब? ये हुआ क्या? और जान की जान ले ली अभिषेक वर्मा ने. नहीं वार्निंग है नहीं सर, इसमें अभी तो ऑफिशियल हो गया. ऑफिशियल हो गया अभी तो. अभी वार्निंग हुई थी नहीं सर, डायरेक्ट. सर वो अंदर है, देखो बाद में डाल. वो अंदर था सर जब उसने डाला. अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर है. वो बेस्ट बेस्ट अंदर है. और ये सर, ये बहुत बैठे सर. बेस्ट देखो सर, ये देखो सर. अंदर एक पागल है क्या? कुछ भी आउट दे दे. अंदर है सर बैट. बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर है. नो नो, ये सर बैट. सर ये एक मिनट, वो एंगल सही था, वो एंगल सही था. ये अंदर है सर. अरे हवा में, हवा में कहां से आ गया? एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड. नो नो सर, पिछला वाला एंगल अपना देख लो. अबे क्या हर बार ही चीटिंग हो रही है यार? ये अंदर बाद में पहले लगा दिया उसने. ऑलरेडी क्रीज पे हो. हां ऑलरेडी क्रीज पे. आउट है, आउट है सर. ये अंदर है सर, अंदर है, अंदर है, अंदर है. अरे भाई, ओ भाई, हवा में कहाँ से आ गया? I अरे think... ये रखता हूँ मैं. मैं बैट कभी नहीं उठाता, बैट कभी नहीं उठाता भाई. मैं बैट अंदर है. Very early to take decision, but सिर्फ tentatively मेरा दिमाग से not out.
फाइनली थर्ड अंपायर का डिसीजन आ गया है, इट्स अ नॉट आउट। मैन कैरिंग की अच्छी कोशिश अभिषेक वर्मा की। प्ले बॉल, चलो प्ले बॉल है। वंडरफुल बोलिंग, व्हाट अ बॉल। जान यहां से क्रिप को समझाते हुए। प्ले बॉल, पकड़ पकड़, इजी इजी, बेहतरीन ओवर, एक के बाद एक चार खूबसूरत बॉलें। गोवा किलर्स 93 रन्स विद लॉस ऑफ 5 विकेट, अभी 5.5 ओवर्स हुए हैं। प्ले बॉल, व्हाट एन इनक्रेडिबल ओवर, गजब की गेंदबाजी अभिषेक वर्मा की। अगर इनकी गेंदबाजी को देखा जाए, पहली गेंद पे एक विकेट, उसके बाद एक 6 रन, फिर एक विकेट, एंड देन 3 डॉट बॉल्स। 6 ओवर की समाप्ति पर इस समय गोवा किलर्स हैं 93 रन्स पे 5 विकेटों के नुकसान पर 15.5 की रन रेट से खेलते हुए। बॉलर नेम पारस, बॉलिंग राइट एम राउंड। पारस बब्बर की बेहतरीन गेंदबाजी। हाँ, उधर से तुमने क्या बोला अंजुम अभी ईशा को? मैंने ये कहा कि ईशा को इस वक्त पपीता खिलाया जाए, बहुत हमारे पारस बब्बर के बारे में बोल रही थी कि पपीते जैसा मुंह है एंड ऑल दैट। अभी तुम कहाँ छुप के बैठी हो भाई, बताओ तो सही, कहाँ हो तुम? मैं यहीं पे बैठी हूँ, कहीं छुप के नहीं बैठी। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा कभी खुशी कभी गम वाली बात बोल रही थी। अभी तुम्हारा खुशी का टाइम चल रहा है, गम आने वाला है। प्ले बॉल, ओए हां मत बोलिए, बोलिए और थोड़ी, और थोड़ी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आजमगढ़ रॉयल्स के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में है इस समय पारस बब्बर। प्ले बॉल, इजी इजी, मार मार। एक बार फिर से जान के चौके के बीच में रोड़ा बन गया अभिषेक वर्मा। आ गया प्रेशर, आ गया मेडन। 3 डॉट बॉल्स हो चुकी हैं इस ओवर में। हम सबको पता है अगर ये 6 हो गई तो वापस जाना पड़ेगा। बहुत ही हैशटैग बेइज्जती हो गया है। प्ले बॉल, और ये इतना लंबा से गोवा किलर, जरा जोरदार तालियां बजाइए, बिकॉज जान ने कंप्लीट किए अपनी हाफ सेंचुरी। ही इज ऑन 52 रन्स 17 गेंदों का सामना करने पर। व्हाट अ फील्ड, प्रताप हाड़ा पूरी तरीके से मुश्तैद अपनी फील्डिंग को लेकर। बहुत अच्छे बॉल से, और इसी को और टाइट करने के लिए अब प्रताप हाड़ा वापस आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। प्रताप हाड़ा थोड़े से इंजर्ड लग रहे हैं। जान ने पूरी जान लगा दी कि बॉल 6 की तरफ जाए, लेकिन गेंद का रुख बदला और वो पहुंचा 2 रन पे। और इंजर्ड होते हुए भी प्रताप हाड़ा वाकई में बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। और ये लगा 6। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स एज वेल एज अमेजिंग फील्डिंग बाय टीम आजमगढ़ रॉयल्स। वंडरफुल बॉलिंग प्रताप हाड़ा, कमेंडेबल जॉब, वो भी इंजरी के बावजूद।
Now that's called our player spirit. जिस हिसाब से वो अपनी गेंदबाजी टाइट रखे हुए हैं, जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं इंजर्ड होने के बाद भी, Now that's called the game spirit. 13 बॉल्स बाकी हैं, 89 रन्स की जरूरत है. लूसी लूसी क्या चाहेगा? And it's a catch. Pratap Hara, what a bowling. आठ ओवर की समाप्ति के बाद गोवा किलर्स 109 रन्स विद लॉस ऑफ 6 विकेट्स एंड उसी के साथ नैंसी जेम्स द नेक्स्ट बैटवुमन फ्रॉम गोवा किलर्स. AR Mrs. India MTV BCL में आखिरी चार ओवर्स में यानी कि ओवर 7-10 में भी एक फीमेल बैट्समैन का खेलना मैंडेटरी है. बॉलर चेंज, बॉलर नेम मिनट, बॉलिंग राइट एम राउंड, प्ले बॉल. क्या बोल रहे? आराम से. व्हाट अ बोल, व्हाट अ बोल बाय विनीत. वाइड बॉल, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा. 11 गेंदों पर 88 रन्स. क्या गोवा किलर अब कुछ कर पाएगी? बॉलिंग की तारीफ तो करनी चाहिए, उसी के साथ साथ जान आई थिंक उनकी जान निकलती हुई दिख रही क्योंकि अपने आप को ही मारे जा रहे वो. वाइड बॉल, ये थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का मामला हो जाता है कभी कभी. और ये बाउंड्री सिक्स. नौ गेंदों पर 81 रन, यानी कि हर गेंद पर 9 रन, विच इज लाइक मुश्किल है. वंडरफुल बॉलिंग. इसी के साथ गोवा किलर के अगले बल्लेबाज आ गए हैं सचिन. बाउंड्री सिक्स ओवर. AR Mrs. India MTV BCL में आखिरी चार ओवर्स में यानी कि ओवर 7-10 में भी एक फीमेल बॉलर का खेलना मैंडेटरी है. बॉलर चेंज, बॉलर नेम परी, बॉलिंग राइट एम राउंड. ये आखिरी ओवर है, इस ओवर में जीत के लिए 6 गेंदों पर 75 रन्स. रेडी रहो सब कैच के लिए, रेडी रहो. कम ऑन परी. It's a six. Catch, catch. Catch it. Catch it. एक और six. एक और six. भाई यहाँ से गोवा वाले डायरेक्टली गोवा जाएंगे अब चिल करने, क्योंकि बीसीएल इनके बस की बात नहीं है भाई.
लेकिन हो सकता है कि वहां पर चिल करने के साथ साथ जान अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट कर लें, क्योंकि दो बॉल्स बाकी है और 92 रन बना चुके हैं जान, यानी कि 8 रन दूर है वो अपनी सेंचुरी से। चलो चलो, दो डॉट निकालेंगे, दो डॉट निकाल लिए, चलो फोकस फोकस। बाउंड्री सिक्स, एक और सिक्स, पैरों पे मारनी, सेंचुरी नहीं बनने देनी, फोकस है बस, उसके पैरों पे खींच के मार, सेंचुरी नहीं बनने देनी। और 98 रन्स बना लिए हैं जान ने, आखिरी एक बॉल बाकी है, 45 रन्स भले ही गोवा किलर्स बना पाए या ना पाए, लेकिन जान कैन कंप्लीट हिज सेंचुरी। चल परे, 100 का प्रेशर है, 100 का प्रेशर है, परी वही करना है, दो ही रन्स अवे फ्रॉम हिज सेंचुरी। और इसी के साथ जान की सेंचुरी पूरी होती है। इसी के साथ ये मैच आजमगढ़ रॉयल्स ने जीत लिया है। ओके जान, आपने तो मतलब आप तो आज के सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, कपिल देव, क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है। बताओ कैसी फीलिंग? फाइनली आई स्कोर्ड माय फर्स्ट BCL सेंचुरी एंड आई एम वेरी हैप्पी। Sad at the same time because team हार गई है, but it's okay, हमारे पास 3 matches अभी और बचे हैं, we'll play hard, we'll work hard और जीतेंगे। 10 ओवरों का सामना करते हुए गोवा किलर ने फाइनली बनाए 159 रन्स विथ लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 15.9 के रन रेट से इन्होंने इस गेम को खेला है। And the Azamgarh Royals have won the match. Goa Killers हारे पर शान और जान से, गिव इट अप फॉर गोवा किलर्स। गाइस, इट्स टाइम फॉर मी टू नाउ डिस्ट्रीब्यूट द अवार्ड्स। फर्स्ट अवार्ड, 1FM कतर की धड़कन मैन ऑफ द मैच, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर अखिल चतवल, एंड द अवार्ड गोज टू अभिषेक वर्मा। कांग्रेचुलेशंस अभिषेक। Second award, Moby Wash Woman of the Match, the presenter Mr. Priyanshu Dhingrako, founder of Moby Wash, and the award goes to Shikha. Congratulations. So there are 2 more awards. AR Player of the Match, presented by Mehul Mistry and Dheeraj Pratap Singh, representative Arms India, and the award goes to Paras Babbar. Paras ki itni badi smile maine pehli baar dekhi hai. Lovely Paras, you've always been a fantastic player. Thank you sir, thank you so much, thank you. The last award is the all-time favorite of the match, powered by Munchylicious Granola. This award is dedicated to the one who showed great energy throughout the game, played with passion and josh. Munchylicious Granola, your all-time favorite snacking partner, because their granola is nutritious, yet tasty and perfect for any time of your day, and it ensures that aapka josh barkarar rahega. To present the award, I'd like to invite Bollywood Wala and his 3 wise men with Made in Heaven fame, Yana Bharadwaj, on behalf of Munchylicious. And the award goes to, now y'all can say, congratulations, Zan. We left the best for you. Congratulations, guys. Give it up for both the fantastic teams. Go, killer. Go, 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 killer. All right, before we say goodbye, we'd like to thank our sponsors. Our title sponsor, AR Mrs. India, powered by 1FM 89.6, Qatar Ki Dharkan, co-powered by Moby Wash Mobile Sanitizer, digital partner, Hello, snacks partner, Munchylicious, toss partner, HeadYatl.com, radio partner, Fever 104FM, technology partner, Prime Focus Limited, nutrition partner, Optimum Nutrition. Nail-biting, entertaining, awesome match, guys. I'm going to see you all next time. Once again, huge round of applause for both you awesome, spectacularly fantastic teams. All right, bye, see you all.